वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा पंच के बेस मॉडल प्योर और सेकंड बेस मॉडल एडवेंचर के बीच में, और आपको बताएंगे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस के बारे में। तो दोस्तों टाटा पंच का प्योर वेरियंट आपको 5,92,900 रुपीज के एक्सोरूम कॉस्ट पर मिलता है, और ये ओनर कॉस्ट दिल्ली के अंदर आपको करीब 6,52,000 रुपीज तक जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडवेंचर की बात की जाए तो इसका एक्सोरूम कॉस्ट है 6,69,900 रुपीज का, और ये ओनर कॉस्ट आपको करीब 7,54,000 रुपीज तक जाता है। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सोरूम कॉस्ट आपको करीब 77,000 रुपीज, लेकिन ऑन रोड कॉस्ट पे आपको करीब 1,02,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब इस 1,02,000 रुपए के डिफरेंस में आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंस मिलते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का। पंच के एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको 3.5 इंच वाला हरमन का मैनुअल म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया है, जिसमें आपको यूएसबी और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, लेकिन बेस मॉडल प्योर के अंदर आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। दूसरा डिफरेंस आता है स्पीकर्स का। तो एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि हरमन के होते हैं, लेकिन प्योर वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता। तीसरा डिफरेंस आता है स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का। तो एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, जबकि प्योर वेरिएंट के अंदर आपको स्टेरिंग माउंटेड कोई भी कंट्रोल्स ऑफर नहीं किए जाते। चौथा डिफरेंस आता है व्हील कवर्स के बीच। एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको ब्लैक कलर के अंदर फुल व्हील कवर्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि प्योर वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी व्हील कवर जो है वो ऑफर नहीं किए जाते। पांचवा डिफरेंस आता है दोनों के आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के बीच। एडवेंचर वेरिएंट में अगर आप जाएं तो यहां पर आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो बॉडी कलर का मिलता है, और दूसरा इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस मॉडल प्योर के अंदर आपको जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये मिलता है ब्लैक कलर का, और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन नहीं दिया गया, आपको मैनुअल हाथ से ही इसको एडजस्ट करना होगा। छठा डिफरेंस आता है पावर विंडोज के बीच। एडवेंचर वेरिएंट में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, लेकिन प्योर वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ आगे की दो पावर विंडोज ही मिलती हैं। सातवां डिफरेंस आता है सेंटर डोर लॉकिंग का। एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है, और यहाँ पर जो की दी जाती है वो आपको एक फिलिप वाली मिलती है और दूसरी नॉर्मल टाइप। फिलिप वाले के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक लॉक, अनलॉक और बीच में आपको मिलता है फॉलो मी हेडलैम्प का। लेकिन अगर आप प्योर वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, और दूसरा यहाँ पर आपको दोनों ही कीज नॉर्मल मैनुअल टाइप की ही मिलती हैं, और तीसरा यहाँ पे आपको कोई भी फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। आठवां डिफरेंस आता है डोर हैंडल्स का। एडवेंचर वेरिएंट में आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो मिलते हैं बॉडी कलर के, लेकिन प्योर वेरिएंट के अंदर आपको डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के अंदर दिए जाते हैं। नवा डिफरेंस आता है इनसाइड रियर व्यू मिरर का। तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ दिया जाता है, लेकिन प्योर वेरिएंट के अंदर आपको ये नॉर्मल मैनुअल टाइप का ही मिलता है, जिसको आप डे नाइट में एडजस्ट नहीं कर पाते। दसवां डिफरेंस आता है रेडियो एंटीना का। तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको रेडियो एंटीना भी ऑफर किया जाता है, जो कि प्योर वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। ग्यारहवां डिफरेंस आता है वैनिटी मिरर का। तो एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आपको कोड्राइवर साइड सनवाइजर में वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है, जबकि बेस मॉडल प्योर के अंदर आपको कोड्राइवर साइड सनवाइजर में कोई वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता। बारहवां डिफरेंस आता है डैशबोर्ड और डोर पैनल के फिनिश का। तो दोस्तों एडवेंचर वेरिएंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड है और डोर पैनल्स हैं उसके ऊपर ग्रीनिश फिनिश देखने को मिल जाता है, लेकिन बेस मॉडल प्योर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड और डोर पैनल्स के ऊपर व्हाइट इंसर्ट देखने को मिलता है। तेरहवां डिफरेंस आता है लगेज रूम इल्यूमिनेशन का। तो एडवेंचर वेरिएंट में आपको लगेज रूम के अंदर कैबिन लैंप भी दिया जाता है, जो कि प्योर वेरिएंट के अंदर आपको नहीं दिया गया। और चौथा डिफरेंस आता है कलर ऑप्शंस के बीच। दोस्तों एडवेंचर वेरिएंट में आपको टोटल 4 कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन बेस मॉडल प्योर के अंदर आपको सिर्फ 2 कलर के ही ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों यह था कंप्लीट डिटेल कंपैरिजन वीडियो दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।